दोस्तों हर बार की तरह बड़े मुकाबलों में एक बार फिर बाबर हुए फ्लॉप, मात्र 18 रन बनाकर वापस लौटे पवेलियन। जी हाँ दोस्तों, आज पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप 2023 का चौथा मुकाबला खेल रही है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के सामने 370 रनों का पहाड़ नुमा लक्ष्य खड़ा करा, जिसका पीछा करने उतरी पाकिस्तानी टीम की सलामी जोड़ी ने तो शानदार साझेदारी निभाई। लेकिन फिर पहला विकेट गिरने के बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से पूरे पाकिस्तान को एक लंबी पारी की उम्मीद थी, लेकिन बाबर आजम सिर्फ 14 गेंदों में 18 रन बनाकर आदम जंपा की गेंद पर वापस पवेलियन लौट गए। आउट होने के बाद पाकिस्तानी कप्तान सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, तो वहीं बाबर भी पवेलियन लौटते वक्त काफी ज्यादा दुखी नजर आए। दोस्तों आपको क्या लगता है, अब की बार पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल तक भी पहुंच पाएगी या नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा।